को सड़क पे चलते चलते एकदम से कोलैप्स होके गिरते हुए और हाथ में छेद वाली फोटो देखी है जिसको कोरोना वायरस का सिम्टम बताया जा रहा है, या फिर वो कोरोना वायरस फैलाने वाली वो चमगादड़ का सूप पीती हुई लड़की, ये सब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। आप क्या सोचते हैं, ये सब सच है? इस वीडियो में इन्हीं सब र्यूमर्स का पर्दाफाश करूंगी, बने रहिए मेरे साथ एंड तक। कोई भी बड़ी न्यूज़ के र्यूमर्स तो फैलते ही हैं, चाहे वो लोगों की अवेयरनेस कम होने की वजह से हो या फिर कुछ लोगों की खुराफात सोच से फैलाए हुए र्यूमर्स हो। पर ये जानना कि कौन सी न्यूज़ सच है जो हमारे कानों में पड़ रही है और कौन सी न्यूज़ झूठ है यानी कि र्यूमर्स है, इसके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जिस कोरोना वायरस ने अब इंडिया में भी हाहाकार मचा दिया है, उसके बारे में भी मेरे सामने बहुत सारे र्यूमर्स आई हैं जिसकी सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। लेट्स बर्स्ट द मिथ्स अबाउट कोरोना वायरस। पहला र्यूमर जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि चाइना के वुहान में रहने वाली एक लड़की वैंग मियूंग से ये वायरस फैला है। इस बात में 100% सच्चाई नहीं है। दरअसल ये एक ट्रैवल ब्लॉगर है और सोशल मीडिया पर एक ऑनलाइन ट्रैवल शो चलाती है। चाइना में लाख्स में उसके शो के फॉलोअर्स हैं और वो लेडी चाइना में कितनी फेमस है उसका आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं कि फोर्ब्स ने उसको टॉप 30 यंग एंटरप्रेन्योर्स में नॉमिनेट किया। क्योंकि ये एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं तो एक वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के पलाऊ नाम के एक आइलैंड पे शूटिंग के लिए गई थी। वहाँ के लोग चमगादड़ यानी कि बैट्स को खाते हैं और सूप बनाकर पीते हैं। बस वहीं की अपनी एक हरकत की वजह से ये इन र्यूमर्स का शिकार हो गई। वो अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहती थी कि वहाँ के लोग कैसे चमगादड़ खाते हैं, इसलिए उन्होंने भी वहाँ बैट के सूप को पीने का अपना एक वीडियो शूट किया। पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये बैट का सूप पीना उनको कितना महंगा पड़ जाएगा। दूसरा र्यूमर, काफ़ी जगह सोशल मीडिया पर मैंने छेद वाले हाथों की फ़ोटो वायरल होती देखी है जो देखने में काफ़ी स्केरी है, और ये इस तरह सर्कुलेट की जा रही है जिससे कि लोगों में इसकी वजह से डर फैल रहा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इस तरह की पिक्चर्स पे ट्रस्ट ना करें। कोरोना वायरस के सिम्टम्स इस तरीके के बिल्कुल भी नहीं हैं। ये पिक्चर सिर्फ अटेंशन सीक करने के लिए सर्कुलेट की जा रही है। आप कोरोना वायरस के सिम्टम्स से अवेयर रहें। इसके सिम्टम्स के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है, आप उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें। तीसरा र्यूमर जो लोगों को सबसे ज़्यादा डरा रहा है, मैं बात कर रही हूँ उन वीडियोस की जिसमें लोगों को एकदम अटैक्स आने से ज़मीन पे गिरते हुए दिखाया जा रहा है। इन र्यूमर्स में ऐसा बताया जा रहा है कि लोग रोड्स और स्ट्रीट्स पे मरे हुए मिल रहे हैं, पर ऐसी बातों पर आप विश्वास ना करें, इनमें ज़्यादातर र्यूमर्स होते हैं। कुछ शरारती लोग हैं हमारी सोसाइटी के जो इस तरह की र्यूमर्स को फैलाते हैं। कोरोना वायरस से सडन अटैक से डेथ नहीं होती है, ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में फैलता है। हालांकि अगर टाइम पे मेडिकल एड मिल जाए तो इसका इलाज भी किया जा सकता है। चाइना में अभी तक 500 से ज़्यादा लोगों का इलाज करके उन्हें घर वापस भेज दिया गया। चौथा र्यूमर ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस सामान छूने से भी फैल सकता है, और वहीं इंटरनेट पर भी तमाम लोगों ने इस सवाल को पूछा है कि क्या चाइना के वुहान या दूसरे हिस्से जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं, वहां से एक्सपोर्टेड सामान को छूने से यह वायरस फैल सकता है। तो इसका जवाब ये है कि अभी तक ऐसा कोई प्रूफ सामने नहीं आया है जिसके बेसिस पे ये प्रूफ किया जा सके। ये बात इसलिए भी र्यूमर्स की तरह सामने आ रही है क्योंकि साल 2003 में चाइना ने सार्स नाम के एक वायरस को टैकल किया था जिसमें दुनिया भर में 700 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। सार्स के केस में ये पाया गया था कि किसी चीज़ या जगह को अगर आप छूते हैं जहाँ पे इन्फेक्टेड इंसान ने खांसी या फिर छींक मारी हो तो ये वायरस आप तक पहुँच सकता है और आपको इन्फेक्ट कर सकता है। अब तक कोरोना वायरस के मामले में ये बात सामने नहीं आई है, और अब तक जो केसेस देखने में आए हैं उसमें यही देखा गया है कि कोई इंसान इस वायरस से तभी इन्फेक्ट